सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री के बारे में बताऊंगा। देखिए, हाथ में बहुत सारी ऐसी अन्य रेखाएं भी मौजूद होती है जो बताती है कि इस पर्टिकुलर इंसान के पास कोई ना कोई एक विशेष शक्ति उसके पास मौजूद है। ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं जिनसे इस प्रकार की जानकारी पता की जा सकती है। देखिए, छठी इंद्री क्या होती है? छठी इंद्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको जो भी उसके जीवन में घटित होने वाला है या जो भी दुर्घटना या फिर जो घटना या शुभ संकेत जो भी होते हैं, ऐसे अगर किसी इंसान को पता चल जाए तो उसे कहा जाता है कि उसके पास बहुत अच्छा सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्री उसकी जागृत है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को पहले से ही कुछ ना कुछ आभास हो जाता है कि ये होने वाला है, या किसी घटना से बचते बचते वो आते होते हैं और बहुत सारी जानकारियां उनके पास मौजूद होती है। एकदम आखिरी समय पर ऐसे लोग बहुत कुछ ऐसा शब्द बोल जाते हैं जो आगे चल करके बहुत लोगों के लिए सही साबित होता है। ये खासकर विशेष शक्तियां होती हैं जो हाथ में भी बड़ी आसानी से पता लगाई जा सकती हैं, और बहुत सारे ज़्यादातर ऐसी जो रेखाएं हैं बहुत सारे ज्ञानियों के पास देखी गई है, या फिर जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके पास इस प्रकार की रहस्यमयी रेखाएं होती हैं। ये एक प्रकार की रहस्यमयी रेखा है, जैसे एक क्रॉस होता है बीच में। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हाथ के बीच में ये क्रॉस हो, इसके ऊपर आप सभी लगभग जानते होंगे इसका क्या असर होता है। वैसे ही एक और रेखा जो होती है जिसे छठी इंद्री कहा जाता है, वो हाथ में मौजूद होती है और वो बहुत ही भाग्यशाली होती है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत कुछ पहले से ही पता होता है। देखिए क्या होता है कि वो छठी इंद्री के बारे में हमें यहाँ पर, ये जो हमारा चंद्रमा है यहाँ पर, इसके बारे में विशेषकर पता लगता है। चंद्रमा खासकर हमारे स्वभाव के बारे में, हम कितना सोचते हैं, हमारी मदर सिस्टर या वुमेन सपोर्ट, इस प्रकार का और विदेशी भूमि के बारे में जानकारी तो देता ही है। साथ ही जो छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस के विषय में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा, ये बहुत ही अनोखी रेखा है, आप सभी को ये खासकर पता नहीं होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई जाए। तो यहाँ से हम उसके विषय में पता कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में इस मून के एरिया से, चंद्रमा के एरिया से इस प्रकार से अगर लक निकलते हुए सीधे ऊपर की ओर जाए, चाहे वो शनि पर्वत मतलब सेकंड फिंगर के नीचे आए, फर्स्ट फिंगर मतलब गुरु पर्वत के नीचे आए, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मेन आपका चंद्रमा पर्वत से कोई अगर रेखा निकले तो ये बहुत शुभ माना गया है। देखा गया है कि इससे लोग बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने वाले होते हैं, किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही एनालाइज करने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत गहरा डीपली सोचते हैं, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा ही अनुभव हो जाता है उस चीज़ का। भले ही ये दुनिया की नज़र में अच्छी बात ना हो कि छोटी छोटी बातों को बतंगड़ करना, परंतु वो एकदम बात की एकदम जड़ तक पहुंचना ऐसे लोगों को आदत होती है। इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादा सोचने विचारने के कारण इनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, जिसके कारण इनके पास मेन बहुत ज़्यादा ही अनुभव आ जाता है, जिसके कारण वो हर परिस्थिति का अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं। अगर यहाँ पर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के इस प्रकार से, मैं पहले मिटाना चाहूँगा, जीवन रेखा से निकल के कोई रेखा इस प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा की ओर आए, तो ये भी बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। जीवन रेखा से मतलब, इसका मतलब ये होता है कि पूर्ण जन्म में कुछ ऐसे कर्म होते हैं या कुछ शुभ कर्म आप जीते जी ऐसे कर जाते हैं, जिसके कारण ये शक्तियाँ आपको प्रदान होती है। ये बात 100% सही है, क्योंकि जिसके हाथ में भी मून जो है अच्छा जागृत होता है, या कुंडली में बहुत अच्छा मून कहीं पर बैठा हुआ होता है, चंद्रमा बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए होते हैं, ऐसे लोगों के पास सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन स्किल बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस प्रकार की शक्ति ऐसे लोगों के पास आ जाती है। लगभग सभी के हाथ में ऐसा नहीं होता, सभी के हाथ में अपना अपना एक पर्टिकुलर बेस्ट थिंक होता है, लेकिन इस प्रकार से अगर यहाँ पर मछली का भी साइन बने, जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा बनाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर इस प्रकार से थोड़ा मछली का यहाँ पर साइन बनता हुआ दिखे, चाहे वो उसका जो मुँह है ये कहीं भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो या बाएं हो, मछली का बनना भी बता रहा है कि विदेशी भूमि से में लाभ मिलने के साथ साथ रहस्यमय चीज़ों की तरफ विद्या बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण बहुत अच्छा सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस प्रकार के योग जो है,
हमें बताते हैं कि क्या आपके हाथ में अच्छी अच्छी शुभ चिन्ह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक आप सभी